कृषि कानूनों के विरोध में 7 माह से दिल्ली में धरना दे रहे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज नेशनल हाईवे 2 रुनकता पर केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस कीमतों के विरोध में अपने अपने वाहनों का हॉर्न बजाकर विरोध करने जा रहे किसानों को कुकथला चौकी थाना अचनेरा द्वारा रोक लिया गया तथा किसान नेता चौधरी दिलीप सिंह को चौकी प्रभारी ने मय फोर्स के साथ नज़रबंद कर दिया। बाद में किसानों की बढ़ती संख्या के दबाव में आकर छोड़ दिया गया। प्रदर्शन के लिए जा रहे किसानों व युवाओं में मुख्य रूप से चौधरी दिलीप सिंह व राष्ट्रीय लोकदल आगरा के वरिष्ठ युवा कार्यकर्ता राजा धनगर ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी जब थे तो वह ऐसे कानूनों के खिलाफ थे, अब हम चौधरी साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं किसान नेता दिलीप चौधरी ने कहा यह अन्याय किसानों के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, अगले चुनाव में किसान सब हिसाब ले लेगा। धरना प्रदर्शन में युवा रामवीर बघेल, राम शर्मा, महेश शर्मा, चौधरी दीवान सिंह, चौधरी जितेंद्र सिंह, श्रीमती लज्जावती देवी, बाबूलाल वाल्मीकि, राजीव ठाकुर, आसाराम, सुशील शर्मा, राकेश कुशवा, सुरेंद्र ठाकुर, बच्चू ठाकुर, देवी प्रसाद, राहुल खान, सत्यम, सौरभ कुमार आदि मौजूद रहे। इस मौके पर किसान नेता चौधरी दिलीप सिंह ने कहा कि किसान भाजपा सरकार से पहले से ही थोपे जा रहे कृषि कानूनों से परेशान हैं। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतों ने तो किसानों की कमर को तोड़ने का काम किया है, इसका जवाब किसान आने वाले चुनाव में देगा। उधर सूत्रों के अनुसार रुनकता हाईवे पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए थाना सिकंदरा पुलिस व PSC सहित भारी पुलिस फोर्स द्वारा चौकसी रखी गई। जूर जूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, जूर जूर।